मेरे भाई आपने ये अलम अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद किया, जैसे किसी भी एक हसास आदमी को करना चाहिए। और आज ही एक स्कॉलर थे, उन्होंने मैंने उनका एक वो सुना वाकया, मैं आपको भी बताता चलूँ, खातिनों साथ बड़े वो दिल के करीब। उन्होंने कहा, वो तीन एक लोग थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये फैसला करते हैं कि हम में से बेगैरत ज़्यादा कौन है। अजीब सी बात है। तो उसमें से एक ने बुढ़िया को, एक बूढ़ी बुढ़िया आ रही थी लाठी टेक के, उसने उसको मारना शुरू कर दिया और मार के गिरा दिया। और उसके बाद वो जो दूसरा था, उसने कहा तुम क्या, उसने गिरी हुई बुढ़िया पे और हमला किया और दो ठोकरें भी लगाई। और वो जो तीसरा खड़ा था, उसने कहा भाई मैं हूँ तुम सब में सबसे ज़्यादा बेगैरत। उसने कहा क्यों, तुमने क्या किया? उसने कहा ये माँ है मेरी। तो उन्होंने ये बताया कि वो पहला मारने वाला तो हो गया अमरीका, दूसरा हो गया इसराइल और तीसरे हो गए हम जो देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब ये बात जब मैंने आपको सुनाई होगी तो ये आपको बहुत हर्ट की होगी, आपको एक दर्द सा पहुंचा होगा, लेकिन वो उस दर्द से बहुत कम है जो दर्द फ़लस्तीन के लोग जो हैं और तकलीफ़ जो वो उठा रहे हैं। हम बात करके भी हसास होके आहें भी भरने लगते हैं और तकलीफ़ भी उठाते हैं, तो जिस पे गुजरती है उसका तो सोचें। सो अगर तो हमारे लिए मैटर करता है और इम्पॉर्टेंट है तो फिर तो हम उसके लिए कुछ करेंगे, और अगर नहीं करता तो फिर ऐसे ही है। तो उमेर भाई, ये जो ब्रेड काउ का और जितनी एक डिबेट हो रही है, जो शायद लोगों के लिए नई भी है, दिलचस्पी की भी हामिल है, कुछ देवमालाई सी भी लगती है, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट एंड व्हाट आर दे अप टू इस वक्त? ये जो आज 4 अप्रैल, आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बरसी भी है, वो जिसको अदालत ने कहा कि वो फैसला ही ठीक नहीं था उनका, अदालती कत्ल हुआ, सो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और जो जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में मुश्किल में, उनकी आसानियाँ पैदा करें, वो पसे जिंदान हो या जिंदान से बाहर हो, आज़ाद होकर कैद हो या कैद होकर आज़ाद हो, सबका भला सबकी खैर। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, इतने ज़िंदा और अहम तरीन मौजूदात पर आप महफिल सजा लेते हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ टेम्पल इंस्टीट्यूट के की वेबसाइट से एक पैराग्राफ की रीडिंग से करना ठीक है जी। यानी यरूशलम में जब इसराइल बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा करता है ठीक, तो वो बाकायदा प्रॉपर एक टेम्पल यूनिवर्सिटी वहाँ बना। आप 67 की बात करें, 1967 एग्जैक्टली ठीक है जी। और बाकायदा टेम्पल यूनिवर्सिटी वहाँ कायम की जाती है, और थर्ड टेम्पल को रीबिल्ड करने के लिए, इस तरह भी आपने एक टाइम लाइन बयान की हिस्टोरिकली, तो अब वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर इसके पत्थरों पर, इसके दरवाज़ों पर आर्क ऑफ कोवेनेंट, जिसको ताबूत सकीना कहा जाता है, हर चीज़ पर बाकायदा एक रिसर्च डेवलप। और आप कह रहे थे कि एक ज़र्रे पे वो रिसर्च उस पूरे एरिया की। एग्जैक्टली ऐसा ही। अब देखिए वो कहते हैं कि द कमांडमेंट ऑफ द रेड हेफर टेक्स ऑन मोर एंड मोर सिग्निफिकेंस, फॉर विदाउट इट द डिवाइन सर्विस ऑफ द होली टेम्पल कैन नॉट बी रिज्यूम्ड। देर इज़ ए स्पिरिचुअल रेनेसेंस टूडे इन इज़राइल। After almost 2000 years, Israel is clearly moving towards a time when the holy temple on Mount Moriah, the prophesized third temple, will be rebuilt. Aur phir wo kehte hain ki but in truth the fate of the entire world depends on the red heifer. क्यों? अब इसका खुलासा क्या है पूरी बात का? पूरी दुनिया का वो जो मुस्तकबिल है वो कह रहे हैं इन सुर्ख रंग की जो बच्चिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सुपरस्टिशंस नहीं है, ये देवमालाई कहानियां नहीं है। एग्जैक्टली जब आप ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ते हैं, कोई कंस्पिरेसी थ्योरी जो हम कहते हैं कहां से निकली है, ऐसी तुझे कहानियां बना दे रहे हैं, वो नहीं है। कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं, ये एक हकीकत है कि गजा में मोर देन 40,000 मुस्लिम्स को मर्सिलेसली बुचर्ड किया गया है। जी, आज की जो मैंने एक तस्वीर देखी कि एक कुत्ता, नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला यानी हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, और यकीनन आपने जो लफ्ज़ कहा वो हम पर बिल्कुल सचता है कि एक कुत्ता एक फ़िलिस्तीनी मासूम गजा के बच्चे को अपने मुँह में दबोच कर ले जा रहा है। यानी आज वहाँ पर मुसलमानों की लाशों के साथ जो है ना, इस तरह के इंसानियत सोच जो है वो काम हो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो रेड हेफर है, रेड काउ है, इस पर पूरी दुनिया का जो किस्मत है, तकदीर है, वो उसके साथ मुंसलिक हुई है। क्यों? जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटोनॉमी, ये अर्ली 5 बुक्स ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, इनको तौरात कहा जाता है, इनको पेंटेट्यूक भी कहते हैं, इनको रिटन लॉ भी कहते हैं।